देखो 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 देखो। चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑन द बॉक्स क्या क्या है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। देखो ये ब्लैक प्लस डेकर, मतलब ब्लैक एंड डेकर इसको आप कह सकते हो, अमेरिकन कंपनी है, काफ़ी बहुत अच्छा कंपनी है। और ये जो है बेसिकली एक हेडगन है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है 1800 वाट कंज्यूम करता है, डुअल टेम्परेचर हेडगन, टेम्परेचर को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन द बॉक्स और क्या है देख सकते हो, मॉडल नंबर जो है KX1800 इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और बता देता हूँ, देखो कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो वो भी मैं डिटेल में आपको शो कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो पावर जो है कंज्यूम करता है 1800 वाट, और स्विच कंट्रोल 2 स्टेज, ठीक है, 1 और 2, टेम्परेचर 400 और 550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक तो देख सकते हो, मैं निकालने के बाद दिखाऊंगा कि क्या क्या है। और एयर फ्लो जो है आप देख सकते हो 550 और 751 मिनिमम, ठीक है। तो दैट सेट ऑन द बॉक्स, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। 1 ईयर वारंटी, होम यूज़ गारंटी, ठीक है। तो होम यूज़ तो आप कर ही सकते हो, और 1 ईयर का ऊपर से गारंटी भी है। तो इसको खोलते हैं, सबसे पहले निकलता है इसका यूज़र मैनुअल, तो इसको आपको पढ़ना मस्ट है। अगर आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं, अभी निकालते हैं। ओनली हेडगन ही है शायद इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, देख सकते हो ओनली हेडगन ही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। ये रहा इसका डब्बा, डब्बा को रखते हैं साइड में। ये रहा इसका मुंह, हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे निकलने के बाद मतलब ये देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्का लग रहा है मेरे को, पकड़ने में ग्रिप ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और क्या ही बताऊँ इसका, और वायर वगैरह तो आप देख ही सकते हो। इसको अभी कनेक्ट करते हैं और आपको इसका हिट बताते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले स्विच का बता देता हूँ, देखो दो तरह का मैंने बताया ना, तो ये जो है मिडिल में इसका न्यूट्रल है, और इस तरफ करोगे तो 400 डिग्री सेल्सियस। अगर आप मिडिल किया और उसके बाद ऊपर की ओर किया तो यहाँ पे जो 505 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर जो है ज़्यादा टेम्परेचर है, नीचे की ओर कम टेम्परेचर है। अब मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, और यूज़र मैनुअल पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बेकार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये जो है इसका वारंटी कार्ड है शायद, नहीं नहीं नहीं, इसका ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर, जो सर्विस सेंटर है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो हमने यहाँ पर रखा एक पॉलीथीन, देखते हैं इसको ये मेल्ट कर पाता है कि नहीं, देखते हैं इसका कितना पावर है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर में खड़ा कर दिया हूँ, बाप रे हीट बहुत जनरेट हो रहा है यार, देख सकते हो, देख सकते हो मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये रहा मेल्ट हो रहा है, देख सकते हो जो आपका पॉलीथीन है इतना मोटा है, ये वे प्रोटीन का एक पैकेट है और बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है। तो देखो इसको भी मतलब 400 डिग्री में भी मेल्ट कर दे रहा है। तो अगर मैं 550 पे चार्ज करता हूँ इसको, रुको देखो अभी ज़्यादा स्पीड हो गया है ना, ज़्यादा स्पीड में मेल्ट हो जा रहा है, देख सकते हो, देख सकते हो भाई इतना स्पीड मेल्ट हो रहा है, बंद करता हूँ भाई। तो दैट्स इट गाइस, आपने जो है देखा यहाँ पे मतलब कितना स्पीड में ये मेल्ट कर रहा है। अभी थोड़ा और लगा के आपको दिखा देता हूँ, देखो 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 देखो। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और गाइस इसको अगर आप परचेज करना चाहते हो, अमेजोन से मैंने इसको परचेज किया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से इसको परचेज कर सकते हो मेरे लिंक से, या फिर आप अपने खुद से भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस कर लेना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।